नर्सिंग स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर आज नर्सिंग स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए नर्सिंग स्टूडेंट के जिला अध्यक्ष विनोद मीणा ने बताया कि जिले में प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्वे के काम के साथ अन्य काम सौंपे गए थे। इसी बीच उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और अब सरकार द्वारा परीक्षा करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों के अनुसार भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने काफी समय पहले ही सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने अभी तक विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया, जहां आज सभी विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी सर, किस संबंध में प्रदर्शन किया है, क्या है आपके मांग? आपको पता है कि 1 जुलाई 2020 को भारतीय काउंसिलिंग नर्सिंग ने पहले ही सभी नर्सिंग स्टूडेंटों का प्रमोट का ऑर्डर निकाल दिया, उसके बावजूद राजस्थान के 2 महाविद्यालय नर्सिंग स्टूडेंटों का प्रमोट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला और उनका ऐसा लग रहा है उनका रवैये से है कि वो एग्ज़ाम करवाने की कगार पर है और यह सरासर अन्याय है, क्योंकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट कोरोना महायोद्धा में कंटिन्यू 4 महीने सर्वे में ड्यूटियाँ की है, उसके बावजूद वो पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं, ये तो पूरी राजस्थान सरकार को पता है और काफ़ी स्टूडेंट तनाव में आ चुके हैं। और मैं राजस्थान सरकार से विनती करता हूँ कि आगामी 1-2 दिनों में प्रमोट को लेकर नोटिफिकेशन निकाले। यदि प्रमोट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालता तो आगामी सोमवार को हम आज़ाद पार्क पर धरने के लिए बैठेंगे। कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दिए और यदि हमारे साथ कुछ भी अन्याय होता है तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होती है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि अभी तो यहाँ पर अजमेर में हो रहा है, धीरे धीरे आगामी 1-2 दिन में पूरे राजस्थान में नर्सिंग स्टूडेंट सड़कों पे आएंगे और राजस्थान सरकार को नर्सिंग एकता की ताकत का पता चल जाएगा। जब पता चलेगा, 4 महीने हमने न तो कोई भी राशि प्रोत्साहन नहीं दी इन्होंने, उसके बावजूद हमारी कोई मांग नहीं है। सबसे बड़ी हमारी मांग है प्रमोट। जब इन लोगों ने बीएससी बीएड वालों को नॉर्मल वालों को प्रमोट कर सकते हैं, वो कोई हकदार नहीं है। जब नर्सिंग स्टूडेंट कंटिन्यू 4 महीने सर्व करने के बाद भी उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता तो ये सरासर अन्याय है। और कम से कम 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी तनाव में। मैं विनती करता हूँ राजस्थान सरकार से कि इन पर गौर से इन विषय पर गौर ध्यान दें और आगामी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन निकालें। यदि नहीं निकालती है तो मैं हम भूख हड़ताल या आंदोलन के लिए बैठेंगे और कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दिया। विनोद मीणा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर, और मेरे साथ यहाँ सभी कॉलेज के अध्यक्ष नेता।